हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अपने परिवार में बहुत ही खुश होंगे और स्वस्थ जीवन बिता रहे होंगे। मेरे इस चैनल ब्यूटीफुल लाइफ विद रीना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये थर्सडे का ब्लॉग है, इसमें अपनी मॉर्निंग और इवनिंग रूटीन शेयर करी हुई हैं और बताया है कि इस ब्लॉग में कि अब जिम ना जाकर अपनी फिटनेस के लिए कौन सी फिजिकल एक्टिविटी कर रही हूँ। इसके अलावा ब्रेकफास्ट में जो डिशेस बनाई हैं और डिनर में बनाई हैं वो सारी इसमें शेयर करी हुई हैं। अद्विका हमारी बार बार गुम हो जाती है, उसका भी कारण मैंने इस ब्लॉग में शेयर करा हुआ है। और इस ब्लॉग में मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना जो क्लॉथ स्टोरेज बैग्स हैं जिसमें मैं अपने कपड़े स्टोरेज करती हूँ, उस बैग्स का लिंक प्रोवाइड करा है। और आर्गन ऑयल भी अमेज़ॉन से ही परचेज करा था, तो उसका भी मैंने ऑनलाइन लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है। तो उम्मीद करती हूँ ये ब्लॉग आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे, आपके लिए थोड़ी सी भी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है और मेरे कॉन्फिडेंस को डबल कर देगा। तो ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ थर्सडे मॉर्निंग से। अभी जी आ गई हूँ किचन में। एज यूजल जो मेरा रूटीन रहता है कि मॉर्निंग में उठने के बाद, फ्रेश होने के बाद, अपना जो मॉर्निंग ड्रिंक है वो लेने के बाद मैं किचन में आ जाती हूँ, क्योंकि मुझे ब्रेकफास्ट और लंच की तैयारी करनी होती है। तो ब्रेकफास्ट में बनाऊंगी आलू के पराठे। आलू के पराठे मैंने संडे को भी बनाए थे। इसका कारण है कि दोबारा बना रही हूँ क्योंकि आलू अब नई फसल आ गई है और नई आलू की फसल जो होती है ना, आलू खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। चाहे आलू का कुछ भी बनाओ, चाहे आलू के पराठे बनाओ, चाहे सूखी सब्जी बनाओ, या फिर आलू के जो कटलेट आते हैं वो भी बनाओ, कुछ भी बनाओ, बच्चों को पसंद आता ही है। तो अभी आलू मटर की सब्जी को तड़का लगा दिया था, आलू को बॉयल कर लिया, अब इसको जब ठंडा हो गया तो छील के रख रही हूँ। तो मैं बता रही थी कि अभी मैंने ना जिम से ब्रेक लिया हुआ है। उसका रीज़न है कि हमारे फंक्शन आ रहा है तो देर तक ना शाम को शॉपिंग हो जाती है। जब देर तक शॉपिंग होती है तो फिर घर लेट पहुंचती हूँ, तो जो इवनिंग रूटीन मेरा रहता है वो तो एज़ इट इज़ ही है, वो थोड़ा डिले होता जाता है। तो रात को फिर मेरा जो सोना है वो देर से हो जाता है, इसके कारण मैं जिम अब नहीं जा रही हूँ। तो सोचा है कि अभी फैमिली फंक्शन निपटा लूँ तो उसके बाद ही फिर जिम जाना शुरू करूँगी। लेकिन फ़िज़िकल एक्टिविटी के लिए, अपनी फ़िज़िकल फिटनेस के लिए तो मुझे कुछ ना कुछ करना है। तो मैंने ये सोल्यूशन निकाला कि बच्चे और हस्बैंड तो जाते ही हैं मॉर्निंग वॉक के लिए, मैं उन्हीं के साथ अब मॉर्निंग वॉक के लिए जाना शुरू कर दिया है। तो अभी दीक्षित और अनिकेत मेरे हस्बैंड के साथ चले गए थे, दिवांशी थी मेरे साथ। अब हम लोग एक्टिवा पर ही ग्राउंड जाएंगे। और ये आपको सुबह का दिखा रही हूँ, इन्वायरमेंट कितना ही शांत होता है। जो लोग सुबह उठकर फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं, वॉक पर जाते हैं, तो ये जो ताज़ी हवा है ना, वो उन्हीं को पता होता है कि इससे बेटर कोई मेडिसिन है ही नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि जिम नहीं जाना तो उठ के आप वॉक कर लीजिए, वो भी आपकी फिजिकल फिटनेस को बहुत ही बूस्ट करेगा। तो हम लोग आ गए थे यहाँ पर ग्राउंड में। तो यहाँ इतनी फैसिलिटी नहीं है कि लाइटनिंग की प्रॉब्लम है यहाँ पर, लेकिन इतनी की लाइटनिंग है, कैमरा मेरा कैप्चर नहीं कर पा रहा है। हम लोग आसानी से अपनी वॉक कर सकते हैं। तो कुछ बच्चे यहाँ पर एक्सरसाइज भी कर रहे थे। तकरीबन आधा पौना घंटा हम लोग वॉक करके वापस घर आ जाते हैं। तो बज गए थे शायद 7:15 बज गए थे। तो अभी बच्चों ने फिर नहाना है, तो उनकी वैन भी आ जाती है, तकरीबन 8 बजे आ जाती हैं। उनका स्कूल का जो टाइमिंग है वो है 8:30 और मेरे स्कूल का जो टाइमिंग है वो 9 to 3 है। तो शाम को भी शॉपिंग के कारण फिर घर के जो रूटीन वाले काम होते हैं वो उनके कारण अब शाम को कोई डस्टिंग नहीं हो पाती। और मेरा तो जो फेवरेट डस्टिंग का जो टाइम पीरियड है ना, वो मॉर्निंग वाला ही है, तो मैं उसी में ही अपने घर की डस्टिंग क्लीनिंग करना ही पसंद करती हूँ। तो जो चीज़ें सामने रहती हैं इन पर तो ज़्यादा ही डस्ट पड़ती है, जैसे कि टीवी पैनल है, इसको भी साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है। देखने में तो लगेगा कि बिल्कुल इस पर डस्ट नहीं है, लेकिन नज़दीक जाके देखोगे ना तो एक जो डस्ट की लेयर बन जाती हैं। तो अगर ऐसे ही लेयर्स क्लियर ना किया जाए इनको टाइम टू टाइम, तो लेयर्स की लेयर्स बढ़ती जाएंगी। तो यहाँ पर सिस्टर बना रही हैं पराठे और चपातियाँ, जैसे कि सब्जी और आलू का वो डो तैयार करके रख दिया था, वो अभी पैक कर रही है सबके लिए खाना।
तो यहाँ पर ना मैंने कैमरा रखा था, तो जब जैसे ही कैमरा ट्राइपॉड पर लगाती हूँ ना, तो बच्चे अपना अपना जो टैलेंट है ना वो दिखाने लग जाते हैं, कुछ ना कुछ वो करते ही रहते हैं, उनकी शरारतें। जब मैं वीडियो एडिटिंग कर रही थी तब देखा था ये कुछ कर रहे हैं, क्योंकि उस टाइम तो इतना ध्यान रहता नहीं है। अद्विका को तो हम लोग सुलाते रहते हैं कि ये सो जाए ताकि हमारा काम आसानी से हो जाए, क्योंकि इसको होता है कि जब मैं उठ गई हूँ तो मुझे तो बाहर ही जाना है, मुझे बाहर जाके घुमाओ। लेकिन बाहर घुमाने वाला सुबह कोई भी अवेलेबल नहीं होता है सिवाय डैडी जी के, और उनको सुबह सुबह जाना बाहर दिक्कत लगता है, क्योंकि एज उनकी ज़्यादा होगी एज, और ठंड लगती है। वो कहते हैं कि मैं अंदर रहूँगा, लेकिन उसको तो बाहर जाना ही जाना है। उठ गई थी, उसको था कि मुझे अब तैयार कर दो, मेरी जो जैकेट पहना दो और मुझे बाहर लेके जाओ। तो बस उसको एक आधा चक्कर हम लगवा देते हैं, फिर उसके बाद उसको थोड़ा तसल्ली हो जाती है, अंदर बिठाया जाता है। तो अब यहाँ पर आ गई थी ड्राइंग रूम क्लीनिंग करने के लिए। अभी उसको ये था कि मुझे अब दोबारा अंदर लेके जाया जाएगा तो मेरे लिए फिर टीवी ऑन कर दिया जाए, जो भी अपनी पोइम्स देखती है ना, तो क्योंकि ये न्यू LED है तो ये यूट्यूब से कनेक्ट हो जाती है, तो सब कुछ उसको पता है कि फ़ोन से कनेक्ट हो जाती है तो मेरी यहाँ पर पोइम भी लगेगी। तो देवांशी से मैं यहाँ पर कह रही थी, पहले तो ना वो सिर्फ आलू का पराठा ना ऐसे ही ऊपर देसी घी लगाकर ले आई थी, कोई सब्जी नहीं ली थी, कोई दही नहीं लिया था, तो यही बोल रही थी कि दही लेकर आ, बाद में फिर मेरे कहने से ले आई थी। तो एक न्यू एडिशन हो गई है यहाँ पर लिपन नट के बोर्ड की, जो मैंने व्हाइट वाला बना दिया था और एक छोटा वाला भी बना दिया था, यहाँ पर भी मैंने लगा दिया था। तो उसको मैंने ना थोड़ी सिमेट्री वाइज सेट करना है, अभी तो चारों के बोर्ड ऐसे ही लगा दिए, जितना कि मेरे पास टाइम होता है उतना के बना लेती हूँ, जरा ज़्यादा मेरे पास ना इनकी गिनती हो जाएगी तो उनको अच्छे से सिमेट्री वाइज लगाऊंगी, अभी कोई माइंड में बात नहीं है, लेकिन बस बनाना है इतना मुझे पता है। यहाँ पर दीपी कर रही है सबके टिफ़िन पैक, तीनों बच्चों के टिफ़िन लगे हुए हैं, और बस वही आलू मटर की सब्जी और एक एक परौंठी बस उनको पैक कर देगी। और वहाँ पर जो फ्रूट्स हैं, अभी ऑरेंजेस आ गए हैं, और कोई कह रहा है ऑरेंज हमने नहीं खाने हैं, खट्टे हैं, लेकिन ऑरेंजेस बहुत ही टेस्टी हैं। तो सबकी पसंद के अकॉर्डिंग ना, किसी को एप्पल कट करके दे दिया है और किसी को ऑरेंज दे दिया है। और जैसे जैसे विंटर आती है तो मेरे घर में तो सामान ज़्यादा फैल जाता है, क्योंकि ब्लैंकेट आ जाते हैं, ऊपर पहनने वाले पुलओवर्स हैं, जैकेट्स हैं, तो चीज़ें बहुत ज़्यादा फैली रहती हैं। तो कुछ चीज़ें तो हम जैसे कपड़े जो धुले होते हैं एक दिन पहले, उनको तह लगा कर ना ऐसे ही रख देते हैं हर एक कमरे में, तो अगर रात को टाइम है तो तभी इनको अलमारी में अच्छे से सेट कर दिया जाता है, अगर नहीं टाइम होता है ना तो फिर इनको क्या किया जाता है कि जो बेड की सेटी पर या फिर चेयर पर इनको रख दिया जाता है, फिर अगले दिन जब उठते हैं बाकी काम जो रूटीन वाइज वाले करने के बाद फिर इनको अलमारी में जमा दिया जाता है। तो ये चीज़ों पर डस्ट पड़ती ही पड़ती है, जैसे कि बेड के कॉर्नर्स हो गए, बेड की सेटी होगी, बेड की बैक है, तो यहाँ पर तो रोज़ ही इन पर, मतलब अगर रोज़ की डिमांड करते ही हैं चीज़ें कि रोज़ ही इन पर एक बार हाथ फेरा जाए, लेकिन रोज़ तो पॉसिबल नहीं हो पाता, एक या दो दिन के बाद इन पर बारी आती है। तो ये जो बेड के किनारे हैं ना, जैसे बैठते हैं हम पीछे से पैरों के निशान भी लग जाते हैं, तो मुझे साफ़ करने होते हैं। अच्छा, जब यह ये वीडियो आपके पास पहुंचेगी ना, तो कईयों का ना ये रिएक्शन होता है कि जॉब करते हो, इतना कमाते हो, तो क्या एक मेड नहीं अरेंज कर सकते क्लीनिंग डस्टिंग के लिए? तो मैं उनको यही आंसर देना चाहूँगी, क्लीनिंग डस्टिंग हो तो चाहे घर का झाड़ू पोछा हो, जो घर की लेडीज़ हैं ना उनसे बेटर कोई कर ही नहीं सकता है। तो मेरे घर में झाड़ू पोछा के लिए मेड रखी हुई है, क्लीनिंग डस्टिंग का काम है, वॉशरूम क्लीन करने का काम हम खुद ही करते हैं। तो मैं बताऊँ ना, मेरा बस चले तो मैं घर का झाड़ू पोछा भी लगा लूँ, लेकिन घर की और काम भी देखने होते हैं, किचन का काम देखना है, तो जॉब पर भी जाना है, तो डेली झाड़ू पोछा लगाना, किचन का काम करना, अपने जिम एक्सरसाइज करना, क्लीनिंग डस्टिंग करना, फिर जॉब पर जाना, ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो जितना हम लोगों से हो रहा है हम लोग अपनी तरफ से कर रहे हैं। तो यहाँ पर ना मैं दीपी को बता रही थी कि नेट्स पर ना वाइट वाइट कुछ लगा हुआ है, तो यहाँ पर अद्विका बहुत शरारती हो गई है, उसके हाथ में जो चीज़ें भी आती हैं ना वो करने शुरू कर देती है, चौक वगैरह उसको कहीं से मिल गया होगा तो उसी ने उसी पर चौक घुमाया तो वाइट वहाँ पर निशान पड़े थे, तो मुझे सर्फ वगैरह पानी वगैरह लगा कर उसको साफ़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर बैठी हुई डैडी जी के साथ ही, क्योंकि वो न्यूज़ पर रीड कर रहे हैं तो वहीं पर ही बैठी थी, जहाँ जहाँ जो भी मिल जाता है उसके साथ जो कुछ कर रहे हैं ना वो वहीं पहुँच जाती है। अब यहाँ पर पूजा में करने आई थी तो यहाँ पर भी शूज़ लेके यहाँ पर आ गई है, तो उसको मैं कह रही थी कि शूज़ जाके बाहर उतार के, लेकिन इतना समझदार है कि वो जो उसको कहो ना वो भी करती हुई है, अपना शूज़ उतारने चली गई थी।
तो अभी जी मैं नहाकर आ गई थी, तो नहाकर पूजा कर ली, पूजा करने के बाद जाऊंगी स्कूल, स्कूल से आकर फिर आप सबसे मिलती हूँ। तो ये है जी शाम की वीडियो क्लिप, और शाम का जो भी चाय का रूटीन रहता है, सबको चाय बना के दे दी, सबने चाय पी ली है, और अभी करने लगी हूँ डिनर की तैयारी। तो काफ़ी दिनों से बच्चे कह रहे थे कि हमको इडली सांभर खाना है, तो सब्जियाँ नहीं मेरे पास इकट्ठी हो पा रही थी, कभी एक सब्जी होती थी तो कभी दूसरी होती थी, तो आज काफ़ी सब्जियाँ इकट्ठी हुई थी, गोभी भी हैं, ये कुंदरू भी हैं, मटर भी हैं, और सेम की फली भी हैं, तो सोचा फिर आज इडली सांभर ही बना देती हूँ, और सूखी सब्जी एक बना दूँगी और चपातियाँ हो जाएंगी और बच्चों के लिए इडली सांभर हो जाएगा। क्योंकि बच्चे हैं ना, बच्चों को तो होता है कि कुछ खाने से अलग कुछ मिल जाए, मतलब रोज़ जो रोटी सब्जी दाल चावल देते हैं कुछ अलग सा मिले, नहीं तो फिर उनको होगी बाहर की क्रेविंग, बाहर से कुछ मंगवाया जाए। तो बाहर की चीज़ें हम बहुत ही ज़्यादा अवॉइड करते हैं, जितना हो सके उनके टेस्ट बर्ड्स को ना शांत करने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा स्नैक्स वगैरह बनाती रहती हूँ। तो यहाँ पर सेम की फली, हम लोग इसको सेम की फली कहते हैं, इसकी सब्जी बन जाती है आलू के साथ सूखी सब्जी, उसको मैंने थोड़ा सा कट करके डाल दिया था। सांभर बनाना बहुत ही आसान है, कोई भी सब्जी हो, बस एक करेला छोड़कर ना जो भी सब्जियाँ अवेलेबल हो ना, चाहे गोभी है, गाजर है, मटर है, बैंगन है, वो सारी ही डाल दिए जाएँ तो सांभर बहुत ही टेस्टी लगता है। इसमें ज़्यादा मसाले वगैरह डालने की कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जो साउथ इंडियन खाना है ना वो इतना तड़के शड़के वाला नहीं होता है। तो जी मेरी बताया ना, मैंने फंक्शन है तो शॉपिंग भी चल रही है, ऑफलाइन भी चल रही है, ऑनलाइन भी चल रही है, तो ये मेरा पार्सल आया था तो उसी को मैं रिसीव करने गई थी, गेट खुल गया और अद्विका फटाफट बाहर। तो सब्जियां मैंने कट करके रख दी थी और यहाँ पर ले रही हूँ अरहर की दाल, जिसको तुअर की दाल भी कहा जाता है, और एक कप में यहाँ पर ले ली अरहर की दाल, इसको अच्छे से धुल लिया और अरहर की दाल डाल दूँगी, और यहाँ पर जितनी भी मैंने सब्जियाँ कट करी हैं, यहाँ पर गोभी है, मटर है, सेम की फली है, कुंदरू है, हल्दी, और यहाँ पर नमक, नमक ख़त्म हो गया था तो मैंने यहाँ मसालेदानी में डाल दिया। अभी हम लोग सेंधा नमक इस्तेमाल कर रहे हैं, नमक मैं थोड़ा सा चेंज करती रहती हूँ, क्योंकि जो टाटा नमक होता है ना उसमें आयोडीन ज़्यादा होता है, बल्कि सेंधा नमक में आयोडीन कम होता है। तो सेंधा नमक की जो बारी आती है वो 2 महीने बाद आती है। अभी 2 महीने मैंने सिंपल वाला जो सादा नमक था, जिसमें कहते हैं कि सोडियम की मात्रा ज़्यादा होती है, वो वाला ही यूज़ कर रही थी। तो बस नमक, हल्दी, थोड़ा सा 1 चम्मच तेल डाल दिया और इसमें पानी ऐड कर दिया। अब इसमें एक जो विसल डलवाऊँगी ना वो फुल फ्लेम पर, बाकी जो 4 विसल आएंगी वो बिल्कुल ही स्लो फ्लेम पर आएंगी। और यह नया प्रेशर कुकर ख़रीदा हो ना, इसमें जो कुकिंग है बहुत ही फास्ट होती है, तो अच्छे से ये बन जाएगी मेरी सांभर। और थोड़ी सी मैंने इसमें डालने के लिए इमली को भी पानी में सोख करके रख दिया है, तो इडली सांभर हो जाएगा। साथ में मुझे बनानी है सब्जी, तो जो गोभी और गाजर बची हुई थी ना तो वही मैं इसमें डालनी। सुबह जब मैं आलू मटर की सब्जी बना रही थी ना, थोड़े से मैंने मटर निकाल के रख ही दिए थे, थोड़े ही बनाए थे क्योंकि आलू के पराठे भी थे ना, तो बस जो सूखी सब्जी है उसमें जो बेसिक वाला तड़का होता है प्याज टमाटर लहसुन हरी मिर्च का, वो डाल दूंगी और सूखे वाले मसाले, तो उसी से मेरी वो आलू गोभी और मटर की सब्जी तैयार हो जाएगी। तेल हम लोग यूज़ कर रहे हैं सरसों का तेल, और रिफाइंड ऑयल भी हम लोग चेंज करते रहते हैं, जैसे कि अभी मैं यूज़ कर रही हूँ ग्राउंडनट ऑयल, और पहले मैं यूज़ कर रही थी राइस ब्रान ऑयल। मतलब इन चीज़ों को ना हम थोड़ा सा चेंज करना जरूरी होता है, जैसे कि रेमेडीज नहीं यूज़ करते हम अपने अपने हेयर के लिए, अपने स्किन केयर के लिए, वैसे ही। और किचन किंग मसाला आजकल मैंने बताया हुआ है ब्लॉग्स में कि वो किचन किंग मसाला ही यूज़ कर रही हूँ। तो मैं बता रही थी कि अद्विका हमारी बार बार इसलिए गुम हो जाती है कि उसको होता है कि बाहर का नज़ारा देखा जाए, मुझे कोई बाहर घुमाने वाला हो, तो अद्विका अंदर नहीं मिल रही थी, तो फटाफट मैं बाहर आई देखने के लिए, मुझे कड़ी पत्ता भी चाहिए था, और ये देखिए कहाँ पर गई हुई है, वो कभी भी घर में नहीं मिलेगी, अगर गुम भी होती है ना वो बाहर ही जाएगी। वो तो लकली था कि डैडी जी उधर से आ रहे हैं, लेकिन इतनी फास्ट स्पीड से वो भागी ना, मैं इसको वहाँ से आवाज़ भी दे रही हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पर वॉइस कट करी हुई ना बैकग्राउंड वाली, तो आवाज़ भी दे रही है, लेकिन वो मेरे हाथ नहीं आई, तो फिर मैं वहीं पर रुक गई, क्योंकि डैडी जी को मैंने देख लिया था, वो उसको पकड़ के ला रहे थे। तो यहाँ पर सांभर के तड़के के लिए और जो नारियल की चटनी बनानी है उसके लिए भी यहाँ पर कड़ी पत्ता तोड़ने आई हूँ। कड़ी पत्ता का पौधा ज़मीन में लगा हुआ है ना, तो बहुत ही बड़ा एक तरह का पेड़ ही बन गया है। 2 है मेरे पास यहाँ पर पौधे, एक पीछे लगा हुआ है, ये जो आगे वाला है तो उसी को ही मैंने यहाँ पत्ते तोड़ ली। अब ये पूरी वो क्या अपनी फीलिंग ले रही है महारानी वाली कि मुझे ऐसे बैठा के लेकर आओ, और डैडी जी की अब एज हो गई है, उनसे इतना तेज़ भागा भी नहीं जाता,
वो बड़ी मुश्किल से पकड़ के साइकिल पर बिठा कर लाए हैं, लेकिन उसको लग रहा है कि बस यही जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिल गया है। तो इसीलिए अद्विका का ध्यान रखना पड़ता है, उसको बाहर जाना बहुत ही टेम्पटिंग लगता है, उसको कोई मिल जाए बाहर जाने के लिए या गेट खुला मिल जाए तो वो बाहर ही जाएगी, कभी भी वो अंदर नहीं मिलेगी। तो आलू गोभी मटर की सब्ज़ी मैंने तड़का लगा दिया था, वो बन गई है। और यहाँ पर इडली बनाने के लिए सूजी का इस्तेमाल कर रही हूँ। राइस फ्लावर की जब भी इडली बनाती हूँ ना तो बच्चे कम लाइक करते हैं, एक तो उसमें टाइम बहुत लगता है क्योंकि उसको फर्मेंट करना होता है पीस के, और जो सूजी की इडली है इंस्टेंट बन जाती है। चाय अब सर्दी आ गई है तो चाय एक बार तो सबको पिला दी थी, दोबारा फिर चाय की यहाँ पर डिमांड आ गई तो दोबारा चाय बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने ले लिया था कच्चा नारियल, थोड़ा सा वो कट करके डाल दिए हैं, और ये जो नट्स होते हैं पीनट्स मूंगफली के दाने, ये तो रोस्ट करके हम लोग रखे ही होते हैं क्योंकि चाय वगैरह सा हम लोग खाते हैं, तो इसमें डाल दिए थे पीनट्स रोस्टेड वाले, और ये इसमें डाल दी थोड़ा सा कड़ी पत्ता और एक छोटा चम्मच नमक और थोड़ा सा पानी। खट्टे के लिए यहाँ पर ना मैंने लस्सी ही ऐड करी है, तो जो पीछे मैंने वहाँ पर जो बनाया था बैटर इडली का तो उसमें मैंने लस्सी ही ऐड करी थी क्योंकि दही ख़त्म हो गया था। तो यहाँ पर सांभर भी रेडी हो गया, तो इसको मैशर से ना अच्छे से मैश कर लूँगी। अभी तो ये थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है, थोड़ा सा इसको ना पानी डाल के और इसको पतला कर लूँगी। अगर पहले ही पानी ज़्यादा ऐड कर दूँ ना तो कुकिंग जो टाइम है ना वो स्लो हो जाता है, और पानी का ढक्कन से बाहर निकलने का भी डर रहता है। तो इसको थोड़ा सा मैंने पानी डाल के बॉयल कर लिया ताकि इसकी जो थिकनेस है ना वो थोड़ा सा मेंटेन कर लूँ, और जो इमली पानी में भिगो के रखी थी उसको अच्छे से स्ट्रेन कर लिया। तो इसमें टमाटर नहीं डालती मैं, मतलब कई लोग तो डालते हैं तड़के में इसकी सांभर के, लेकिन मैं नहीं डालती, मुझे जो खट्टापन पसंद है वो इसी का ही पसंद है इमली वाला। तो इसको थोड़ा सा पतला कर लूँगी और इसमें फिर लगाऊंगी तड़का। तड़का लगाऊंगी यहाँ पर ग्राउंडनट ऑयल थोड़ा सा 2 चम्मच डाल दिया था, और यहाँ पर मस्टर्ड सीड्स हैं, थोड़े से कड़ी पत्ते, कड़ी पत्ते जब धुल के लाते हैं तो उसके छींटे बहुत पड़ते हैं, और थोड़ी सी यहाँ पर डाल दी है तीखी वाली जो है ये सूखी लाल मिर्चें। तो पहले मैंने मिर्ची नहीं ऐड करी थी, तो ये तीखी लाल मिर्चें बहुत है, ज़्यादा तीखा हो जाएगा बच्चे खा नहीं पाएंगे, तो इतना ही मैंने ऐड कर दिया था। तो ये मेरा सांभर बन के तैयार हो गया था, और जो इडली का बैटर था वो मैंने इसको सोक करके रख दिया था क्योंकि 20-25 मिनट तो सूजी को फूलने के लिए भी चाहिए, तो मैंने लस्सी वाले लिक्विड में ना उसको अच्छे से मिक्स करके रख दिया था, तो अच्छे से वो बन भी गई थी। अभी यहाँ पर जो तड़का लगा रही हूँ उसी सेम पैन पर, मैंने धोया नहीं था क्योंकि सेम चीज़ें ही डालनी हैं, वही वाली थोड़ा सा तेल, सूखी लाल मिर्चें, कड़ी पत्ता और यहाँ पर मस्टर्ड सीड्स हैं, बस इसको निकाल के कांच के कंटेनर में रख लिया था, और ऊपर से मैंने इसको स्प्रिंकल कर दिया इस तड़के के साथ। तो ये पतली वाली चटनी ही रखी है कोकोनट की, क्योंकि ना थोड़ी देर बाद ना इसकी थिकनेस बढ़ जाती है। तो यहाँ पर मैंने जो इडली कुकर अच्छा किसी ने कहा था कि इसमें ना वो इरिटेट वाली विसल निकलती है, अच्छा अगर हम बनाते हैं राइस फ्लावर वाली चावल वाली इडली तो उसमें कुकिंग टाइम ज़्यादा लगता है, उसमें ये प्रॉब्लम आती है कि हाँ जी इसमें विसल वो कंटिन्यूसली इरिटेट करती हैं, लेकिन जो इडली बनती है सूजी के साथ, सूजी वाली इडली को कुकिंग टाइम बहुत कम होता है, ये तो मुश्किल से 5 से 7 मिनट इडली तैयार हो जाती है, तो इसमें इतनी प्रॉब्लम आती नहीं है। पानी मैंने रख दिया था कुकर में थोड़ा सा स्टीम करने के लिए, और यहाँ पर थोड़ा सा तेल, थोड़ा सा नमक, और यहाँ पर डाल दिया था 1 पैकेट इनो का। इनो को एक्टिवेट करने के लिए थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया, और इसको 1 मिनट तक कंटिन्यूस वे में इसको अच्छे से ब्लेंड करा, और बाद में इसमें जो प्लेट्स में ग्रीसिंग करी हुई थी तो इस बैटर को मैंने डाल दिया। अब इसको रख दूँगी प्लेट्स को इस राइस इडली कुकर में, और इसको टाइम चेक करके ना 5 से 7 मिनट तक इसको मीडियम फ्लेम पर पका लूँगी ढक्कन लगा के। तो चलिए दोस्तों फिर यहीं पर ब्लॉग को करती हूँ एंड। मुझे मैसेजेस आएंगे कि आप ब्लॉग छोटे बना रहे हो, लेकिन जैसे ही मैं फ्री होंगी ना तो ब्लॉग आपके लिए फुल फ्लैश वाले शेयर करूँगी। बाय बाय।